नमस्कार उत्तराखंड, मैं हूं प्रणव से मल्टी प्रणवानंद और स्वागत है आपका उत्तराखंड न्यूज कल आज और कल में। तो आइए जानते हैं कुछ मुख्य समाचार। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत नाकल बुलंदावाला दुधली में दुधारू पशु क्रय कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। दोपहर में क्लेम टाउन में वन विभाग के पौधरोपण कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद सचिवालय में अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। हल्द्वानी में आशा वर्कर्स प्रदर्शन करेंगी और मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजेंगी। आज से सावन का पहला सोमवार है। इस बार कोरोना के कारण कांवड़ यात्रा स्थगित है, इसलिए उत्तराखंड के बॉर्डर पर सख्त व्यवस्था कर दी गई है जिससे कोई प्रवेश न कर पाए। कल भी भारी संख्या में वाहनों को बॉर्डर से वापस भेजा गया। कल पौड़ी गढ़वाल पुलिस की फायर यूनिट ने कोटद्वार नगर निगम के बहुत से क्षेत्रों में सोडियम हाइपोक्लोराइड से छिड़काव करके सैनिटाइज किया। वहीं उत्तराखंड के मौसम की बात करें तो आज पिथौरागढ़, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, देहरादून, अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, पौड़ी, उधम सिंह नगर और उत्तरकाशी जिलों में अधिकांश स्थानों पर और हरिद्वार जिले के कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। वहीं चमोली पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्ण रूप से खुला है। तो मुख्य समाचार में इतना ही। जय हिंद, जय उत्तराखंड।